हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बनाने के लिए हमने यहाँ पे खड़ फैब्रिक लिया है। ये पूरा 1 मीटर फैब्रिक है हमारा और इस तरह से मैंने उसे 4 फोल्ड करके लिया है, मतलब मिडल से और फिर और एक बार इस तरह से 4 फोल्ड करके मैंने उसे लिया है। हमें आज के DIY के लिए बॉर्डर की तरफ का फैब्रिक ही ज्यादातर यूज करना है, तो मैं इस तरफ से उसके मेजरमेंट डालूंगी और सिर्फ एक पट्टी ही हमें काटनी है, ज्यादा हमें कुछ लेना नहीं है। तो यहाँ पे मैं नीचे से 10 इंचेस पे मार्किंग करूंगी, 10 इंचेस पे, उतनी ही हमारी चौड़ाई रहेगी इस तरह से। और जो हमारी चौड़ाई है उसका 7 गुना से ज्यादा हमारा कपड़ा होना चाहिए, मतलब अगर ये मैं 10 इंच तो फोल्ड में हमारा 1 इंच जाएगा तो 9 इंच हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो 9 इंच का 7 गुना मतलब 63 इंचेस, 63 इंच से हमारी ये जो लंबाई है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरी लंबाई ले रही हूँ जो भी हमारी आएगी वो, और चौड़ाई मैं 10 इंच की ले रही हूँ जो हमारी फाइनल स्टिच करके 9 इंच की रहेगी। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और मैं जो बातें करती हूँ वो आप पूरी अच्छे से सुन लीजिए, तभी आप उसका जो मेजरमेंट्स है वो चेंज कर पाएंगे। अगर आपको अपने हिसाब से मेजरमेंट्स डालने हैं तो मैं जो आपको उसका कैलकुलेशन बता रही हूँ वो आप ठीक से सुनिए, तभी आप वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब इस लाइन पे 10 इंचेस का मार्किंग पे मैं ये कपड़ा काट लूंगी। तो ये हमारा कपड़ा 1 मीटर में से इतना कपड़ा हमारा बच जाएगा और ये हमारी अब 2 पट्टियां लंबी रहेंगी। और अब इस तरह से इन 2 पट्टियों को सीधी साइड्स एक तरफ रखनी है और एक ओर से हमें उसे जोड़ लेना है और एक ही लंबी पट्टी तैयार करके लेनी है। और अब इसे इस तरह हमें फैला लेना है अंदर की साइड बाहर करके, और ये पहले जो हमारी स्टिच लाइन है उस पे मैं पहले आयरन कर लूंगी फ्लैट करने के लिए उसे। ये हमारा मिडल रहेगा। अब यहां पे मैंने पूरा लंबा पट्टी ली है कैनवास की, तो अब ये जो हमारा पीस है इसका भी मैंने मिडल मार्क कर लिया है यहां पे, और ये मिडल मैं मैच करूंगी। और ये जो हमारा कैनवास है उसे ऊपर की तरफ 1 इंच का गैप छोड़ के मैं हमारे यहाँ ये जो किनारे किनारे है वहां पे उसे पेस्ट कर लूंगी इस तरह रख के। देखिए, जैसा मैंने कहा ये फैब्रिक हैंड वूवन होता है तो वो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। अब यहाँ पे हमने सीधा लिया था कटिंग करते वक्त, पर क्योंकि ये पेस्ट किया है उसे तो अब ये देखिए ये हमारा यहाँ पे क्रॉस में हो रहा है, तो जितना हमें चाहिए उतना फोल्डिंग के लिए फिनिशिंग के लिए हम 1 इंच रखेंगे और बाकी का जो कपड़ा है उसे काट लेंगे हम। देखिए इस तरफ भी ये थोड़ा क्रॉस में आ गया क्योंकि मैंने जैसे बोला ये हैंड वूवन होता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम डिजायर्ड लेंथ 1 इंच का मार्जिन सिलाई के लिए रख के बाकी का हम निकाल देंगे पीस। तो इस तरह से अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पे मैं उसका फिनिशिंग करके स्टिच कर लूंगी। तो यहाँ पे 3 साइड में हम फोल्ड करके इसका फिनिशिंग कर लेंगे। ये फिनिशिंग करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ भी हमें एक स्टिच करनी है, और वो स्टिच करते वक्त ही मैं इस तरह की एक लेस उसे लगा दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी चलेगा, जस्ट फॉर डेकोरेशन मैं ये एक लेस वहां पे नीचे की स्टिच करते वक्त उसे जोड़ दूंगी। इस तरह से सारी ओर से मैंने फिनिशिंग कर लिया है, नीचे की तरफ स्टिच भी आ गई और ये हमारी लेस भी लग गई, और तीनों ओर से इस तरह फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमारा मिडल का मार्किंग हमने किया था उस मार्किंग से दोनों तरफ हम 1.5 इंच की मार्किंग्स कर देंगे, सिर्फ मार्किंग करनी है। और ये जितनी भी हमारी मार्किंग्स आएंगी वो इवन नंबर्स में होनी चाहिए, सम संख्या। तो ये हमारी 36 मार्किंग्स आ गई है और इस तरफ भी हमें उसी तरह से मार्किंग्स करके लेनी है। और इसी तरह से हमें उस और भी मार्किंग्स, मतलब ये एक तरफ का हिस्सा है तो इस तरफ भी हमें इसी तरह से मार्किंग्स करके लेनी है।
डेढ़ डेढ़ इंच की। देखिए यहां पे और यहां पे सामने सामने मैंने डेढ़ डेढ़ इंच की मार्किंग पूरी हमारी जो पट्टी है उस पर कर ली है। और अब ये जो हमारी मार्किंग्स है, इन मार्किंग्स में हमें सिर्फ निशान बना लेना है, हमें इसे जोड़ना नहीं है और ना ही डार्क पेंसिल से इसे डार्क भी नहीं करना है, सिर्फ हमें निशान बना लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं स्क्रू ड्राइवर ले रही हूं ताकि इसकी जो नोक है वो नोकीली है पर ये फटेगा नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैं अब सिर्फ इसका एक मार्किंग बना ले रही हूं। देखिए इस तरह से सिर्फ हमें निशान बना लेना है। देखिए इस तरह से पूरे हमारे पीस पे मैंने ये मार्किंग्स बना ली है, सब पूरे पीस पे। अब क्या करना है, यहाँ पे बीच में हमें एक उसे लेस जोड़ना है और वो लेस हम इस तरफ से जोड़ेंगे, जहां पे हमारा बॉर्डर का साइड है वहां पे हम उसे वो लेस का टुकड़ा जोड़ देंगे। इस तरह लूप जैसा हमें लेना है और अंदर की तरफ हमें स्टिच कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे मैंने रस्सी हमारी सिल दी है और अब जो भी निशानियां हमने बनाई है उस पर हमें एक एक करके फोल्ड करते जाना है। तो जिगजैग में हमारा ये फैन जैसा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से, और निशान बनाने की वजह से वो अच्छे से फोल्ड्स भी हमारे क्रिस्प आएंगे, एकदम मार्किंग्स पे आएंगे और इधर उधर नहीं होंगे। इस तरह से ये हमारा आएगा। अब यहाँ पे हमें वेलक्रो अटैच करना है उसे, ये जो हमारे पट्टियां है हमारी जो भी, वहां पे हमें उसे वेलक्रो अटैच करके लेना है और वेलक्रो की पट्टी के दो हिस्से हम दोनों तरफ लगा देंगे। एक हिस्सा हमारा इस तरफ आएगा यहाँ पे और एक हिस्सा हमारा इस तरफ आएगा। ये देखिए ये मेरा नीचे से एक इंच पे आ गया और ये ऊपर से, तो ये अगर आप 74 इंचेस अच्छे से लेंगे तो ये अच्छे से मैच हो जाता, ये मेरा थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे लेना। और यहाँ पे अब हम उसमें एक धागा सिल देंगे यहाँ पे, और ये मैं कॉन्ट्रास्ट कलर का धागा ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप सेम कलर का धागा भी ले सकते हैं। और सारे ये जो हमारे हिस्से है वो इस धागे में आने चाहिए। इसी तरह से ये धागा हमें छूटा रखना है और यहाँ पे हमें कहीं पे भी उसे नॉट नहीं लगानी है, और यहां से हम उसे काट लेंगे। जब हम ये पूरा सर्कल में तैयार करेंगे तब इसे हमें गांठ मार लेनी है डिजायर्ड जो भी है उस तरह से, और ये इसी तरह से खुला ही रखना है। तो मैं ये यहाँ पे काट लेती हूँ और दोनों सिरों पे हम गांठ मार के रख लेंगे ताकि वो बाहर ना निकले। इस तरह से ये तो खुला ही छोड़ा है हमने ये धागा, जब आप ये सर्कल बनाएंगे तब इसे इस तरह गांठ मार के लेनी है हमें हल्की सी वो भी। और अब ये जो हमारा बीच में सर्कल बना है उसके लिए हम फिनिशिंग तैयार करेंगे, और फिनिशिंग के लिए मैंने एक कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है और बीच में उसे बकरम पेस्ट कर लिया है और एक तरफ सिर्फ प्लेन कपड़ा मैंने ले लिया है यहाँ पे। और ये सर्कल देखिए इस पे आ रहा है सटीक, और ये सर्कल एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से एक सर्कल बना लिया है। अब इस पे हमें एक स्टिच करके लेनी है और इन पीसेस को इस पे जोड़ लेना है, और तभी मैं ये जो हमारी लेस जो मैंने यहाँ पे भी जोड़ी थी वो यहाँ पे मैं इसके साथ स्टिच कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये सर्कल बन के तैयार है, और यहाँ पे पीछे की तरफ हमने एक कपड़ा सिर्फ रखा है, चिपकाया नहीं है, तो यहाँ पे हम एक तरह का जो हमारा हेयर क्लिप आता है वो हम इंसर्ट करेंगे इसमें। इस तरह से हमें हेयर क्लिप को इंसर्ट करना है यहां से लेके यहां तक, ये नीचे से मैंने उसे फोल्ड करके रखा है ताकि वो निकले नहीं, और आधा हिस्सा हमारा इस तरफ जाएगा।
जो हमने हाथ सिलाई कर जो हमने धागा डाला था ये जो व्हाइट कलर का उसमें हमारा ये इंसर्ट होगा इस तरह से। और ये खींचोगे तो भी निकलेगा नहीं क्योंकि नीचे से हमने उसे बंद कर दिया है। और मैं आपको ये दीवार पे टांग के भी दिखाऊंगी और फिर हमारा DIY बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए इस तरह से ये डेकोरेशन मैंने यहाँ पे टांग दिया है, आप देख सकते हैं। और साइड में हमने जो लास्ट वीडियो में लटकन्स बनाए हैं वो भी मैंने टांग दिए हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों एक साथ अगर हम लगाते हैं तो इसका कितना सुंदर इफेक्ट हमें दिख रहा है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये आप हमेशा के लिए भी एज अ डेकोरेशन लगा के रख सकते हैं, या तो सिर्फ गणपति के लिए रख के फिर आप इसे फोल्ड करके फिर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज भर भर के लाइक्स दीजिए, शेयर भी कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपने मेरा वीडियो यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।